लोकसभा चुनाव नतीजों के संदर्भ में उत्तर प्रदेश लगातार चर्चा में बना हुआ है। राज्य में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, लेकिन लोकसभा में सपा ने यहां 37 सीटें निकाल ली। भाजपा को कितनी सीट मिली? 33 सीटें। रिजल्ट आने के बाद से ही अलग अलग सीटों का, अलग अलग राज्यों का एनालिसिस चल रहा है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश की भी बात चल रही है और इसी फेहरिस्त में एक दिलचस्प एनालिसिस निकल कर सामने आया है। बागियों की बातों से जुड़ा यह एनालिसिस है, समाजवादी पार्टियों के बागियों से जुड़ा। नमस्ते, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं द लल्लनटॉप। हम किस रोचक निष्कर्ष की बात कर रहे हैं, शुरू से समझाते हैं। इस साल 27 फरवरी को राज्यसभा की 56 सीटों के लिए चुनाव हुए थे। इन 56 में से 10 सीटें उत्तर प्रदेश की थीं, 10 सीट, उम्मीदवार 11। वोटिंग हुई, समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों ने पार्टी के खिलाफ जाकर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में क्रॉस वोटिंग कर दी। जब राज्यसभा के चुनाव में साथ दिया था तो लोकसभा में भी साथ दिया। सपा के इन विधायकों ने पार्टी से बगावत करते हुए लोकसभा चुनाव में भी अपनी अपनी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को समर्थन दिया। लेकिन अब मामला थोड़ा उल्टा पड़ गया। समाजवादी पार्टी के इन बागी विधायकों ने जिन जिन भाजपा प्रत्याशियों को सपोर्ट किया उनमें से ज्यादातर हार गए। ये विधायक कौन है, ये सीटें कौन सी हैं, सब बताते हैं। सबसे पहले बात 3 सबसे चर्चित सीटों की, रायबरेली, अमेठी और फैजाबाद। फैजाबाद माने अयोध्या वाली सीट। पहले बात रायबरेली की करेंगे, जहां से राहुल गांधी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे, आप जानते ही हैं। उनके सामने थे भारतीय जनता पार्टी के दिनेश प्रताप सिंह। रायबरेली की ऊंचाहार विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं मनोज पांडे। मनोज पांडे का नाम राज्यसभा वोटिंग प्रकरण वाले बागियों में शामिल था। लोकसभा चुनाव से पहले वो भाजपा की तरफ चले गए। एक जनसभा में अमित शाह के सामने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। खुलकर दिनेश प्रताप सिंह का लोकसभा चुनाव के जो प्रचार हुए उसमें समर्थन किया, लेकिन नतीजा क्या रहा? दिनेश प्रताप, जो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से प्रत्याशी थे, 3,90,000 वोट से हार गए। अगली सीट अमेठी। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ से लड़ी स्मृति ईरानी, कांग्रेस की तरफ से किशोरी लाल शर्मा। समाजवादी पार्टी के एक और बागी विधायक राकेश प्रताप सिंह ने यहाँ पर भी, यानी अमेठी के लोकसभा चुनाव में भी, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में, स्मृति ईरानी के समर्थन में चुनाव प्रचार करा, अपनी पार्टी से बगावत की। अमेठी में क्या नतीजा रहा आप जानते ही हैं कि स्मृति ईरानी की यहाँ 1,67,000 वोटों से हार हुई। तीसरी सीट फैजाबाद। इसके अंतर्गत आने वाली गोसाईगंज विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक अभय सिंह ने यहां भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लल्लू सिंह का साथ दिया, जबकि समाजवादी पार्टी ने यहां से अवधेश प्रसाद को टिकट दिया था। यहां भी भारतीय जनता पार्टी 54,000 से ज्यादा के अंतर से चुनाव हार गई। और ऐसी ही चौथी सीट है कौशाम्बी। यहां भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विनोद कुमार सोनकर सपा के पुष्पेंद्र से 1,00,000 वोट से ज्यादा के अंतर से हार गए, जबकि इसी लोकसभा में आने वाली चायल विधानसभा सीट से सपा की विधायक पूजा पाल बागी हो गई थी और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उन्होंने समर्थन में उन्हें यहां पर चुनाव प्रचार किया था। पांचवी सीट अंबेडकर नगर। यहां समाजवादी पार्टी की तरफ से लालजी वर्मा चुनाव लड़ रहे थे। यहां भी वही हुआ जो हमने जो पिछली सीट बताई वहां हुआ। समाजवादी पार्टी के राकेश पांडे ने पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया, उन्हें इसका फायदा भी मिला। भारतीय जनता पार्टी ने राकेश पांडे के बेटे रितेश पांडे को ही टिकट दिया, लेकिन उन्हें समाजवादी पार्टी के लालजी वर्मा ने 1,37,000 वोट से हरा दिया। रितेश पांडे आप जानते ही हैं कि अम्बेडकर नगर से वो पहले भी सांसद थे, लेकिन तब बसपा के टिकट पर। इसी साल वो बहुजन समाजवादी पार्टी छोड़कर भाजपा में आ गए थे। आखिरी सीट जालौर। यहाँ समाजवादी पार्टी के कालपी से विधायक विनोद चतुर्वेदी ने बगावत की थी, वो भी राज्यसभा चुनाव में जो क्रॉस वोटिंग वाला प्रकरण हुआ था उसमें इनका भी नाम था। लेकिन लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नारायण दास अहिरवार ने भाजपा प्रत्याशी भानु प्रताप सिंह को 53,898 वोट से हरा दिया। यानी सपा के विधायकों की बगावत से पार्टी को लोकसभा चुनाव में कोई नुकसान नहीं हुआ, उल्टा ये सभी सीटें सपा ने अपने नाम कर ली। अब इस पूरे मामले पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है। क्या लिखा उन्होंने पोस्ट में? लिखा कि राज्यसभा चुनाव के समय समाजवादी पार्टी को धोखा देने वाले गद्दार विधायक, परिणाम आने के बाद से आदरणीय अखिलेश यादव जी को माफी देने का संदेश भेज रहे हैं कि एक बार माफ कर दीजिए, एक मौका दे दीजिए। कुछ करीबियों से पैरवी कर माफी मांगने के लिए समय दिलवाने की गुजारिश कर रहे हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने गद्दार विधायकों से मिलने से इनकार किया और पैरोकार को खरी खरी सुनाई, ऐसा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने ट्वीट किया है।
अब आगे देखने वाली बात है कि अखिलेश यादव इन विधायकों को माफ़ करेंगे या नहीं करेंगे, और अगर माफ़ी नहीं मिली तो क्या जो बागी पार्टी छोड़कर भाजपा में गए हैं दल बदल कानून के तहत, उनकी सदस्यता पर भी क्या आगे कोई खतरा पैदा हो जाएगा। जो भी अपडेट्स आएंगे आपको बताते रहेंगे। ये स्टोरी लिखी है हमारी साथी रक्षा ने, कैमरे के पीछे हैं प्रशांत। देखते रहिए द लल्लन टॉप।